माय नेम इज शैलेश एंड यू आर वाचिंग अ टेक्निकल टाइम यूट्यूब चैनल। गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अब तक के टेक अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले जो हमें अपडेट मिल रहा है वह है वन प्लस की ओर से। जैसा कि हम जानते हैं वन प्लस अपने 8 सीरीज को जल्दी ही लॉन्च करने वाला था, तो आपको बता दें कि इसकी जो डेट है वह अनाउंस हो चुकी है। दोस्तों वन प्लस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसकी डेट अनाउंस की है और कोरोना वायरस के चलते इन स्मार्टफोन को वन प्लस ऑनलाइन ही लॉन्च कर रहा है। दोस्तों वन प्लस के यह जो स्मार्टफोन है यह 5G नेटवर्क के साथ में आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि OnePlus इस बार 120 हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले का यूज़ करने वाली है। OnePlus 8 सीरीज में आपको 3 नए स्मार्टफोन देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि OnePlus 8 है, OnePlus 8 Pro है, OnePlus 8 Elite है। दोस्तों इसका जो बेस वेरिएंट है वह OnePlus 8 है, जहां पर आपको 90 हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाली है और वही 120 हाई रिफ्रेश रेट वाली जो डिस्प्ले है OnePlus 8 Pro में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और इस तरह से OnePlus जो Elite है यह ही इसका लोअर वर्जन है। सामने जो अपडेट मिल रहे हैं वह है एयरटेल की डिजिटल टीवी को लेकर। अगर आप इसके यूज़र हैं और आप सोनी मिक्स चैनल अगर यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपके लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि अब आप सोनी मिक्स जैसे म्यूजिक चैनल को यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। दोस्तों एयरटेल ने अपने सभी यूज़र्स को SMS देना शुरू कर दिया है कि जल्दी ही यहाँ पर आपको सोनी मिक्स चैनल देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग जो है सेट इंडिया, इन्होंने अपना सोनी मिक्स चैनल को बंद कर दिया है। और इसी वजह से अगर कोई यूज़र्स सोनी मिक्स चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहता है एयरटेल डिजिटल टीवी पर, तो वह नहीं कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल तो एयरटेल डिजिटल टीवी के जो यूज़र्स हैं जिन्होंने सोनी मिक्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है वह नहीं देख पाएंगे, और अगर कोई सब्सक्राइब करना चाहता है इस चैनल को तो नहीं कर पाएंगे। साथ में दोस्तों आपको बता दें कि बाकी जो DTS सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि टाटा स्काई, D2H, यह इनके जो मैसेज है अभी यूज़र्स को नहीं जा रहे हैं, बट आने वाले दिनों में यह हो सकता है। गाइस तो इसी तरह से सामने जो हमें अपडेट मिल रही है वह है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi अपना अगला एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन Redmi 9 लॉन्च कर सकता है, क्योंकि रिसेंटली सोशल मीडिया पर इसे स्पॉट किया गया है। और आपको बता दें कि Redmi 9 में क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस तरह से सामने जो हमें अपडेट मिल रहे हैं वह है BSNL की ओर से। टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, इन्होंने कहा है कि BSNL यूज़ करने वाले जो यूज़र्स हैं उन्हें 20 अप्रैल तक कोई रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 20 अप्रैल तक बिना किसी रिचार्ज के यह BSNL की जो टेलीकॉम सर्विस है वह चालू रहेंगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है इसके चलते टेलीकॉम मिनिस्टर ने यह अपना एक डिसीजन लिया है कि जो भी BSNL के यूज़र्स है उन्हें किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से उन्होंने 20 अप्रैल तक यह सर्विस शुरू रखी है। और साथ में यह ₹10 का इंसेंटिव भी दे रहे हैं, अगर इमरजेंसी टाइम पर कोई अगर कॉलिंग करना चाहता है तो वह जो ₹10 है वह यूज़ कर सकता है। टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी का यह कहना है कि इसके वजह से लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहेंगे। गाइस इस तरह से जो हमें सामने अपडेट मिल रहे हैं वह है सैमसंग की ओर से। जैसा कि हम जानते हैं सैमसंग गैलेक्सी M11 लॉन्च होने वाला था, तो आपको बता दें कि सैमसंग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट UAE के वहां पर सैमसंग गैलेक्सी M11 को लिस्टेड कर दिया है। अगर आप वहां पर देखोगे तो आपको अवेलेबल दिखाई देगा। दोस्तों आपको बता दें कि सैमसंग गैलेक्सी M11 यह जो स्मार्टफोन है इसमें आपको 5000mAh पावर की बैटरी के साथ में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों यह थी आज की टेक अपडेट्स। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बारे में आपके दिल में कुछ भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में अक्सर लेके आते रहते हो जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।